फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा आज का जो सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान शिक्षण, उस पे हम पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक था बल। अब देखिए, हमने जो है पिछली कक्षा में सबसे पहले बल की परिभाषा जानी, बल का सूत्र जाना, उसके बाद हमने उसका मात्रक जाना। उसके पश्चात हमने अगली कक्षा में पढ़ा था कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हमें परिणाम स्वरूप क्या क्या जो है प्रभाव देखने को मिलते हैं तथा कौन कौन से प्रभाव हमें उसे देखने के मतलब देखने पर हमें उसे मिलता है। आज हम पढ़ेंगे कि बल जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, अर्थात जो बल होता है वह किस किस प्रकार से लगाया जाता है तथा कितने प्रकार का जो है हमें देखने को मिलता है। तो हम आज पढ़ेंगे कि बल कितने प्रकार का होता है तथा बल जो है वह कह सकते हैं हम कि बल कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन से कार्य बल के द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए, बल मुख्यतः जो है हम पढ़ेंगे वह है सात प्रकार के, बल के प्रकार, बल के प्रकार। इसमें सबसे पहला बल हमारा जो आता है वह आता है पेशी बल। पेशी बल, अब देखिए हमारा सबसे पहला बल आता है पेशी बल। पेशी बल का अर्थ क्या होता है? पेशी यानी हम इसे जोड़ सकते हैं हमारी मांसपेशियों से, ठीक है। तो इसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पेशी बल। यानी कि जो हम दैनिक कार्य में लागू करते हैं या फिर जैसे कि हम जो भी हमारे रोजमर्रा के कार्य हम करते हैं उस पर जो भी बल लगाया जाता है, जो भी बल अप्लाई किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? पेशीय बल कहलाता है। तो इसके लिए हम जैसे लिख सकते हैं दैनिक कार्यों पर लागू। उदाहरण के लिए जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक अलमारी जो है वह वहाँ एक विराम अवस्था में रखी हुई है, यानी कि कह सकते हैं हम कि उसकी प्रारंभिक अवस्था कैसी है? शून्य, क्योंकि अलमारी जो है वह गति नहीं करती है। तो अलमारी की जो कह सकते हैं कि जो गति है या फिर जो अवस्था है वह किस प्रकार की है? शून्य। अब आपने क्या करा, आपको उसकी जगह चेंज करनी है, आपने उस अलमारी को धकेला या फिर उठाया, जैसे आपने उस अलमारी को खिसका करके आप उस अलमारी को क्या कर रहे हो, दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हो, तो वहां पे आपको कौन सा बल लगेगा? पेशी बल, क्योंकि यह आपके दैनिक कार्यों पर लागू होने वाला एक नॉर्मल सा बल है। देखिए, जब हम बात करें दैनिक कार्यों की तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनमें हमारे जो बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिन पर हम जो है बल लगाते हैं या फिर बल के द्वारा उस कार्य को किया जाता है, जैसे किसी वस्तु को खींचना, किसी वस्तु को धकेलना, किसी वस्तु को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखना। तो उसमें उन सब में हमारा कौन सा बल कार्य करता है? पेशी बल कार्य करता है। इसे पेशी बल या फिर पेशीय बल भी कह सकते हैं, पेशीय बल, ठीक है। तो पेशी बल आपको समझ में आया। दूसरा हमारा बल आता है यांत्रिक बल। यांत्रिक बल, अब यांत्रिक बल किसे कहा जाता है? तो देखिए, जब दो वस्तु के बीच में सीधा संपर्क होता है, एक विराम अवस्था में होती है जबकि दूसरी कैसी अवस्था में होती है? गति अवस्था में होती है। तो उस पर जो बल लगता है वो कौन सा होता है? हमारा यांत्रिक बल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जब दो वस्तुएं सीधे संपर्क में आती है, जहां एक वस्तु विराम अवस्था में तथा दूसरी गति अवस्था में होती है। तो देखिए, यांत्रिक बल जो होता है उसमें क्या होता है कि जो बल लगाया जाएगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो दो वस्तुएं होंगी वह आपस में जो है बिना किसी कह सकते हैं कि बिना किसी बीच वाले के कार्य के ये सीधे ही आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती है, जिसमें क्या होता है कि एक तो जो होती है वो विराम अवस्था में होती है, वहीं जो दूसरी वस्तु होगी वो कैसी स्थिति में होगी? गति अवस्था में, गति स्थिति में हमें देख
देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए यांत्रिक का अर्थ हम किससे ले सकते हैं? यंत्र से, यंत्र, यांत्रिक का यंत्र, यानी कि यंत्र के द्वारा। अब देखिए जब हम यंत्र की बात करते हैं तो हम जैसे कि कह सकते हैं जैसे कील है, कील कैसी है? विराम अवस्था में है। जबकि हमें कील को अगर हम किसी यंत्र की सहायता से अगर उसे दीवार में हमें लगाना है तो हम क्या करेंगे, उस यंत्र को चालू करेंगे। तो यानी यहाँ पे एक तो है विराम अवस्था में, जबकि दूसरी कैसी है? गतिशील अवस्था में। जो उसकी मशीन है, कील लगाने की जो मशीन होती है वो किस प्रकार की होगी? गति अवस्था में। या फिर हम कहें कि अगर हम हथौड़े की सहायता से कील को दीवार में लगा रहे हैं तो जो कील होगी वह कैसी है? विराम अवस्था में। लेकिन जो हथौड़ा हमारे हाथ में वो किस अवस्था में होगा? गति की अवस्था में। तो यांत्रिक बल जो होता है वह यंत्र के सहायता से या फिर हम कह सकते हैं यंत्र के द्वारा जो है उसकी गति करवा करके जो है उस विराम अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, एक वस्तु जो दोनों वस्तुएं जो है वह सीधे ही आपस में संपर्क में आती हैं। फिर हमारा तीसरा जो आता है पॉइंट, तीसरा प्रकार आता है, वह आता है घर्षण बल। अब घर्षण बल तो आप लोग सभी जानते होंगे। घर्षण बल का अर्थ यहाँ पे क्या है? दो सतहों के बीच में लगने वाला विरोधी बल। दो सतह या दो सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल, लगने वाला विरोधी बल क्या कहलाता है? हमारा घर्षण बल। देखिए घर्षण बल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे यांत्रिक बल और घर्षण बल में बहुत फर्क हमें देखने को मिलता है। जहां पर यांत्रिक बल दो वस्तुओं की बात कर रहा है, वहीं पर घर्षण बल जो है दो सतहों के बीच की बात कर रहा है। इस चीज का ध्यान रखना कि अगर दो वस्तुएं सीधे संपर्क में आती हैं तो वो तो हमारा यांत्रिक बल कहलाएगा, जबकि दो सतहों आपस में बीच में आती हैं तो वह हमारा घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल यानी कि जब हम इस प्रकार से, जैसे सपोज कीजिए कि मेरा ये हाथ है और ये वाला मेरे हाथ, मैंने इस हाथ पे रखा और इसको इस प्रकार से मैंने रफ किया, तो रफ करने पर क्या होगा, मुझे यहाँ पे गर्माहट महसूस होगी। लेकिन एक सतह ये रही और दूसरी सतह मेरे हाथ की ये है, जब हम इन दोनों को मिलाकर इस प्रकार से रफ करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारे हाथों में गर्मी उत्पन्न होती है। वही गर्मी हमारी क्या कहलाती है? घर्षण बल कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर बात सतहों की गई है, ना कि दो वस्तुओं के सीधे संपर्क की कही गई है। जब हम दो सतहों के बीच में कोई भी बल लगाते हैं तो वह हमारा कौन सा बल कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे कि हम जैसे कह सकते हैं कि मैंने सीधा सा उदाहरण है, जब मैंने इस हाथ को आपस में मिलाया और इन दोनों को इस तरीके से रफ करा बहुत तेजी से, तो मुझे क्या होगा, गर्माहट महसूस होती है। अब जो गर्माहट मुझे महसूस हुई है वह हमारा कौन सा बल कहलाएगा? घर्षण बल कहलाता है। तो देखिए घर्षण बल और यांत्रिक बल में यही फर्क है कि यांत्रिक बल में तो हम वस्तुओं की बात करते हैं, इसमें उदाहरण याद रखना जैसे कि हथौड़ा और कील, इस तरीके से वो दो वस्तु है। जबकि यहाँ पे हम हाथों की, घर्षण बल के लिए हम हाथों का उदाहरण याद रखेंगे, जब हम इन दोनों सतहों को रगड़ते हैं तो जो बल लगता है या जो भी बल उत्पन्न होता है उससे, वह हमारा किसके अंतर्गत आता है? घर्षण बल के अंतर्गत आता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, वह आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल इसको तो आप सभी भली भांति जानते होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल वह है जो वस्तुओं को द्रव्यमान से आकर्षित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक वस्तु और दूसरी वस्तु, उनका जो द्रव्यमान होगा उससे वह आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल वह कहलाता है। तो आज हमने जो है कह सकते हैं हमने कि चार प्रकार के जो है बल पड़े, जिसमें पहला हमारा आता है पेशी बल, अर्थात पेशियों से लगने वाला बल, दैनिक कार्यों में लागू होने वाला बल हमारा क्या कहलाता है? पेशी बल। दूसरा हमारा आता है यांत्रिक बल। यांत्रिक बल अर्थात दो वस्तुओं को जब हम सीधे संपर्क में लाते हैं तो उनमें जो बल उत्पन्न होता है वह हमारा यांत्रिक बल कहलाता है। जबकि घर्षण बल में क्या होता है? दो सतहों के बीच लगने वाला विरोधी बल हमारा क्या कहलाता है? घर्षण बल। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि इसके अंतर्गत वह बल आता है जो दो वस्तुओं के द्रव्यमान की ओर आकर्षित करता है। तो आज हमने जो है चार प्रकार पढ़े। तो इस प्रकार से जो है हमने बल के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। अब हम इसी से संबंधित आपका
आज का आपका होमवर्क है बल, घर्षण बल तथा यांत्रिक बल को उदाहरण सहित उल्लेखित कीजिए। तो आज का आपका गृह कार्य है कि घर्षण बल तथा यांत्रिक बल को उदाहरण सहित उल्लेखित कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में जो है आप लोग अपने घरों में बने रहें, अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज